प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूँ। इस संदेश के द्वारा मैं आपको क्रूस पर यीशु की सात वाणी के बारे में बताना चाहता हूँ। कृपया आप इन संदेशों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, ताकि आप इस चैनल के द्वारा हमारे साथ आप परमेश्वर के वचन सुनने में जुड़ सके। क्रूस पर यीशु की सात वाणी। पहली वाणी, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में यशायाह ने भविष्यवाणी किया था कि वहाँ अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यीशु मसीह ने उन सैनिकों के लिए प्रार्थना करने लगा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस पहले शब्द में हम क्षमा कैसे करें सीख सकते हैं। यीशु ने हमें मत्ती सुसमाचार में एक प्रार्थना सिखाया, उसमें लिखा है कि हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम दूसरों को क्षमा करना है ताकि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करे। यदि आपके दिल में कोई भी व्यक्ति हो जिसे आपने क्षमा ना किया हो, तो इस वचन के द्वारा मैं आपको चेतावनी देता हूँ। कृपया जो व्यक्ति आपसे विरोध करते हैं उन्हें क्षमा कीजिए, ताकि प्रभु आपको भी क्षमा करे। दूसरी वाणी, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्रूस पर दो चोर आपस में बातें कर रहे थे। एक ने यीशु की निंदा की और दूसरा ने यीशु की प्रशंसा की। पहला चोर कह रहा था, यदि तू यीशु मसीह है तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। लेकिन दूसरा चोर ने पहले चोर को डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? हम भी वही दंड पा रहे हैं। हमारा दंड तो न्याय अनुसार है। इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और उस चोर ने यीशु से एक विनती किया, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी शुद्धि लेना। तब यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम केवल इस जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। इस चोर शारीरिक चीज़ों के लिए यीशु से विनती नहीं कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है, प्रभु, मैं तेरे साथ स्वर्ग में रहना चाहता हूँ, तू मुझे अपने स्वर्ग में याद कर। यीशु ने एक बहुत बड़ी बात कहा इधर, कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। क्या प्रभु आपसे आज कह सकता है कि तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा? कितने लोग निश्चिंत रूप से कह सकते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, प्रभु के साथ रहूंगा? अपने आप को जांच लीजिए, परख कर सोचिए, क्या मैं स्वर्ग को जाऊंगा या नहीं। तीसरी वाणी, हे नारी, देख, यहाँ तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यहाँ तेरी माता है। यीशु ने अपनी माँ, उस चेले को जिससे वह प्यार करता था, पास खड़ा देखकर अपना जिम्मेदारी को पूरा किया। यहाँ हम यीशु के बातों में अपनी माँ का देखभाल और प्यार को देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे, तो वहाँ विश्वास से मुँह कर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। यीशु क्रूस पर रहकर भी शरीर से खून निकल रहा है, बहुत वेदना में है, लेकिन फिर भी यीशु ने अपनी माँ के लिए चिंता कर रहा था। अपनी माँ की देखभाल करने के लिए अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना को कह रहा है, आपसे मेरी माँ का देखभाल तुम करना। कितना प्यारा है यीशु मसीह। हम भी यीशु मसीह के द्वारा सीखना चाहिए, यदि हम कितना भी सेवा करें, हम अपनी खुद की परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में चिंता ना करें, तो हम अविश्वासी से भी बहुत बुरे हैं। चौथी वाणी, एली एली लामा सबक्तानी, अर्थात, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर ये शब्द कहा, एली एली लामा सबक्तानी। जब यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों को अपने शरीर में डो रहा था और क्रूस पर लटका हुआ था, परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। देखिए, परमेश्वर पवित्र है। पाप परमेश्वर से हमें अलग कर देता है। परमेश्वर पाप में नहीं रह सकता, लेकिन यहाँ परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जैसा लिखा गया था, वहाँ क्रूस पर हमारे पापों को सहने के लिए अकेला छोड़ा गया। जिस तरह यशायाह ने कहा,
वहाँ हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वहाँ हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। पांचवी वाणी, मैं प्यासा हूँ। जिस तरह पवित्र शास्त्र में कहा गया कि लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रियां दिया और मेरे प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया, इस बात को पूरा करने के लिए यीशु ने कहा कि मैं प्यासा हूँ। तब सैनिक ने एक सिरके में भिगाए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसे मुंह से लगाया। यीशु मसीह को चेले छोड़ दिए थे, यरूशलेम में गेतसेमनी में जितने लोग उस पर विश्वास रखते सब लोग छोड़ दिए थे, यीशु मसीह अकेला हो गया, इसीलिए आत्माओं का बोध से वहाँ बहुत प्यासा था। छठी वाणी, जब यीशु ने वहाँ सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। यीशु मसीह स्वर्ग से इस दुनिया में आया ताकि छुटकारे का काम को पूरा करे। सातवीं वाणी, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ और यहाँ कहकर अपना प्राण छोड़ दिया। यीशु मसीह ने अपना प्राण खुद परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। ये चिल्लाहट पाप और मृत्यु पर विजय की ध्वनि है। जिस तरह वचन में लिखा है जय ने मृत्यु को निगल लिया, अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया था और स्वर्गवास हो गया था, हम भी एक दिन परमेश्वर के हाथ में अपना आत्मा छोड़नी चाहिए। हम भी परमेश्वर के साथ सदा स्वर्ग में रहना चाहिए। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, इन सात वाणियों को यीशु मसीह ने क्रूस पर बताया है। आज हम सब यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा मिला है, इसीलिए हमेशा याद रखिए कि हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस दुनिया में हमें एक अर्धवंद जीवन जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमें नरक से और पाप से छुटकारा देकर स्वर्ग पहुंचाने के लिए यीशु ने अपना जीवन बलिदान किया है। इस बलिदान को मत भूलिए क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हमें स्वर्ग जाने का मौका मिला है। वही द्वार है, वही मार्ग है, वही सच्चा जीवन और सत्य है। आप कृपया क्रूस पर यीशु की सातवाणी के बारे में और भी अच्छी तरह से पढ़कर मनन कीजिए ताकि परमेश्वर की आशीष आप पर भरपूरी से हो सके और परमेश्वर का सच्चा उद्धार का अनुभव आप अपने जीवन में पाएंगे। यदि आपने इस संदेश के द्वारा कुछ सीखा है तो ज़रूर आपकी राय को हमें बताइए और इन संदेश को आपके दोस्तों और मेहमानों को शेयर करिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा आपके साथ में मिलूँगा। धन्यवाद।